आज बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है, उस विषय की हम चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं आज क्या विशेष दिन है? कोई बता सकता है? हैं, तिरुभाव है। किसका तिरुभाव है? श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव है। आज श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव है। आज बहुत ही पवित्र दिन है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, बिल्कुल बात ना करें। यहाँ पर गार्ड कहाँ है? सबको इशारा करके चुप रहने का, कोई बात ना करे, कोई सामने खड़ा ना रहे और कोई बात ना करे, बिल्कुल शांत। गार्ड आइए, सबको इशारा करिए, जो दूर बैठे उनको आगे बैठाइए। श्यामानंद प्रभु का जीवन चरित्र बहुत विस्तृत है। उनका जीवन चरित्र सुनाने के लिए कई घंटे चाहिए, तो एक घटना का हम वर्णन सुनेंगे। श्यामानंद प्रभु के जीवन की एक घटना उसको सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। सब लोग सुन रहे हैं, तो सुनिए बड़े ध्यान से। इनका नाम श्यामानंद नहीं था। श्यामानंद नाम भी कैसे पड़ा इसको भी हम सुनेंगे। इनका नाम है कृष्णदास। क्या नाम है? कृष्णदास। और इनके गुरु हृदय चैतन्य। क्या? हृदय चैतन्य गुरु हैं। कहाँ रहते थे? अंबिका कालना में रहते हैं। बंगाल में एक गांव है अंबिका कालना में, इनके गुरु हृदय चैतन्य रहते हैं। अपने गुरु की आज्ञा से कृष्णदास वृंदावन में आए, और वृंदावन में जीव गोस्वामी से शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। जीव गोस्वामी से शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। तो कृष्णदास बारंबार श्री जीव गोस्वामी से साक्षात सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं कि साक्षात सेवा मुझे दीजिए, अपने शरीर से मैं कुछ सेवा करूं, मुझे आप सेवा दीजिए, साक्षात सेवा दीजिए। किंतु वे उन्हें टालते हुए केवल भजन करने का आदेश देते थे कि नहीं भजन करो, सेवा बाद में, अभी भजन करो। एक बार कृष्णदास ने श्री जीव गोस्वामी से कहा, आपके चरणों में मेरा यही विनम्र निवेदन है कि बिना सेवा किए श्रीधाम वृंदावन में अधिक देर नहीं ठहर पाऊंगा, खाली भजन से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ सेवा दीजिए। किसने कहा? कृष्णदास ने कहा। तो जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और आदेश दिया कि तुम कुंज स्थलियों का मार्जन करते हुए कृष्ण कथा का निरंतर श्रवण करते रहो। तो कुंज स्थली का मार्जन करो, मार्जन मतलब झाड़ू लगाना। तब राधा कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन करने लगे और कुंज सेवा की अभिलाषा से साधुओं और भक्तों के साथ वहाँ जाने लगे। कभी ध्यान में डूब जाते, कभी हरि संकीर्तन में, तो कभी कभी आनंद आवेश में मंत्र का जप करते थे। रोज रात्रि की समाप्ति पर बड़ी जो है जल्दी उठ जाते और झाड़ू के द्वारा कुंज को साफ करते। इस प्रकार से 12 साल इन्होंने सेवा की। कितना? 12 साल इन्होंने सेवा की, तो इनको सिद्धि प्राप्त हो गई, इनको सिद्ध रूप प्राप्त हो गया। तो एक बार रात्रि के समय अपनी भजन कुटीर में बैठे हुए राधा श्याम सुंदर की लीला स्मरण कर रहे हैं, तो देखा, ध्यान में देखा, क्या? श्याम सुंदर जी ब्रज सुंदरियों के साथ नृत्य गीत में मस्त हैं, राधा जी अपनी सखियों के साथ
एक दूसरे के बाहें पकड़कर एक मंडली का निर्माण कर रही हैं। राधा रानी ने मंडली का निर्माण किया और श्याम सुंदर उनके बीच में शोभा पा रहे हैं। चारों तरफ राधा रानी और सखियां हैं, घेरे हैं और श्याम सुंदर बीच में है। श्याम सुंदर सब ब्रज सुंदरियों के साथ नृत्य गीत कर रहे हैं। कई सखियां वाद्य बजा रही हैं, कई प्रकार के मधुर कंठ से गीत गा रही हैं और सखियों के साथ श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं। राधा रानी नृत्य कर रही हैं और श्याम सुंदर जी राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं। राधा रानी के नृत्य का दर्शन कर रहे हैं श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर को अधिक आनंद प्रदान करने के लिए राधिका जी ने एक नृत्य, विशेष नृत्य आरंभ किया। तो उस समय उनके बाएं पैर का नूपुर खिसक कर नीचे गिर पड़ा। राधा रानी और सखियों में से किसी को भी पता नहीं चला कि मंजू घोष नामक वो नूपुर पांव से खिसक कर कुंज में गिर पड़ा था। अब नृत्य के अंत में पलंग पर शयन कर रहे हैं, राधा कृष्ण पलंग पर शयन कर रहे हैं। सभी सखियां उनकी मिलन मधुर मूर्ति का दर्शन कर रही हैं। अब रात्रि के अंत में सखियों ने आकर निद्रा भंग करके जब श्याम सुंदर को जगाया तो शीघ्रतापूर्वक अपने घर को चले गए। अब रात्रि के अंत में कृष्णदास राजस्थली और कुंजों का मार्जन करने के लिए अपने हाथ में झाड़ू और दूसरे से घास छीलने वाला लोहे का खुरपा लेकर राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हुए निधुवन में चले। तो कृष्णदास उस स्थान पर पहुंचकर देखते हैं कि रासलीला के कारण बहुत सी लताएं मसली हुई हैं, विचलित हुई हैं और सुंदर पुष्पों का सौंदर्य भरा हुआ है और चरण चिन्हों के दर्शन भी उनको हो रहे हैं, चरण चिन्हों के दर्शन भी हो रहे हैं। और कृष्णदास लौटने लगे, चरण चिन्हों को देख करके लौटने लगे वहीं पर। और फिर उन्होंने शुरू किया सफाई, झाड़ू से सफाई करना शुरू किया तो एक वृक्ष के नीचे एक सोने का नूपुर दिखाई दिया। सोने का नूपुर, रत्नों से खचित उस सोने के नूपुर को देखकर विस्मित रह गए। सारी दिशाओं में प्रकाश पैदा हो रहा है उस नूपुर के द्वारा। किसका है सोच सोचकर कृष्णदास व्याकुल हो रहे हैं। तब आकाशवाणी हुई कि इस नूपुर की रक्षा करो। आकाशवाणी हुई, क्या आकाशवाणी हुई? यत्न पूर्वक इस नूपुर की रक्षा करो, आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी को सुनकर उन्हें बहुत आनंद आया। अब नूपुर को मस्तक से छुआ, राधा रानी के बाएं पैर का नूपुर था, नूपुर को उठाकर माथे में लगाया तो आनंद के आंसू बहने लगे और कपकपी शरीर में आनंद से कंपन होने लगा। इस प्रकार से मुख से केवल राधे राधे, श्याम श्याम बस यही निकल रहा है मुख से। बहुत प्रयत्न करने पर अपनी भावना को उन्होंने नियंत्रित किया और धैर्य धारण करके नूपुर को अपने वस्त्र में छिपा लिया और त्रिवस्त्र में छिपा लिया। अगर वस्त्र में ना छिपाओ तो चारों दिशाओं में प्रकाश पैदा कर रहा है, आप छिपा नहीं सकते। अंधकार के स्थान में भी आप छिपा नहीं सकते, वो प्रकाश पैदा करता है। अब छिपाने के लिए क्या है? वस्त्र। वस्त्र में छिपा लिया तो छिप गया। अब फिर से कुंजों की सफाई करना शुरू कर दिया। इसी समय राधा रानी अपनी सखियों के साथ वहाँ नूपुर को ढूंढने के लिए आई, छिप करके आई। राधा रानी उनकी सखियों को कोई देखे नहीं, छिप करके अपने नूपुर को ढूंढ रही हैं। राधा रानी ने विशाखा के साथ
लताओं के पीछे खड़े होकर ललिता सखी को कहा कि तुम ढूंढो, हम दोनों यहाँ छिपी हैं, राधा रानी विशाखा के साथ छिपी हैं लताओं में। और ललिता से कहती हैं कि तुम ढूंढो, नूपुर को ढूंढो। ललिता जी एक बूढ़ी दरिद्र ब्राह्मणी का वेश धारण करके वहाँ पर आई। ललिता ने एक ब्राह्मणी का वेश धारण किया, बूढ़ी और दरिद्र। बूढ़ी दरिद्र ब्राह्मणी का वेश धारण किया ललिता ने और बोली, इनसे बोली, किससे? कृष्णदास से बोली। बोली, महात्मा कल सायंकाल मेरी वधू इस स्थान पर फूल चुनने के लिए आई थी और एक शेर को समीप देख करके डर गई और चली गई। इस हड़बड़ाहट में बाएं चरण का नूपुर नीचे गिर पड़ा, परंतु उस समय पता नहीं चला। अगर तुम्हें नूपुर यहाँ पड़ा मिला हो तो मुझे बताओ। तो सही सही बात नहीं बता रही ललिता सखी, बूढ़ी ब्राह्मणी और वो भी दरिद्र ब्राह्मणी। तो एक दरिद्र ब्राह्मणी की वधू ऐसा क्या नूपुर पहन सकती है? बात है नहीं। गार्ड कहाँ है? इशारा करिए चुप रहने का। ये बातें कौन कर रहा है यहाँ पर? बातें करने के लिए बहुत जगह है, मंदिर से बाहर जा सकते हैं। कौन बातें कर रहा है? माताजी, इन माताजी को जरा मना करो, बातें कर रही हैं। जो खड़े हैं वो भी बातें नहीं करेंगे और बच्चे भी शांत रहेंगे। अगर शांत नहीं कर सकते तो बच्चों को बाहर ले जाइए। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे शोर नहीं करेंगे। आपस में कोई बातें नहीं करिए, इशारा करिए सबको चुप रहने का। यहाँ पर ऐसी कथा चल रही है जो कभी सुनने को नहीं मिलेगी, जो सुनेंगे तो बहुत लाभ होगा। तो मैंने क्या बताया? दरिद्र ब्राह्मणी, बूढ़ी ब्राह्मणी, मेरी वधू का बाएं पैर का नूपुर गिर गया, तुम्हें मिला हो तो बताओ। तो कृष्णदास ने जो है बड़ा कुतूहल प्रदर्शित किया, हे देवी आप कौन है? आपका निवास स्थान कहाँ पर है? अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? ललिता ने उत्तर दिया कि मैं कान्यकुब्ज की ब्राह्मणी हूँ। कान्यकुब्ज यानी कन्नौज, मैं कन्नौज की ब्राह्मणी हूँ। मथुरा मंडल के यावट नामक ग्राम में मेरा घर है और मेरा नाम है राधा दासी। राधा दासी सही है? ललिता जी जो है कह रही मेरा नाम है राधा दासी। अच्छा, हे कृष्णदास, तुम कुंज का मार्जन करते हो इसलिए अपनी वधू के नूपुर के विषय में पूछताछ के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। कि तुम तो सफाई करते हो, तुम्हें कोई मिला होगा तो पूछने के लिए आई हूँ तुम्हारे पास। वो नूपुर तुम्हें अगर मिला हो तो बताओ, मेरे संशय का निवारण करो। तो साधु हो तुम, तो साधु हो, किसी के दुख को तुम देख नहीं सकते हो, तो मैं बहुत दुखी हूँ। कृष्णदास विनम्रता के साथ बोले कि मुझे एक दिव्य नील मणि से खचित सोने का नूपुर मिला है। इस नूपुर के स्पर्श से ही मैं राधा प्रेम से उद्वेलित हो उठा हूँ और आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। उससे मुझे पूर्ण विश्वास है, ये नूपुर किसी साधारण स्त्री का नहीं है। अब सीधे मना कर दिया, आपका नूपुर नहीं हो सकता, ये नूपुर किसी साधारण स्त्री का नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। तो आप तो साधारण स्त्री दिखाई देती हैं, आपकी वधू भी साधारण स्त्री होगी, तो अमूल्य नूपुर आपकी वधू का कदापि नहीं हो सकता। अब ये दिव्य नूपुर आपको प्रदान करने के लिए मेरा उत्साह नहीं हो रहा, मुझे उत्साह नहीं हो रहा है कि मैं आपको ये दिव्य नूपुर दूं। साधारण स्त्री का तो नूपुर हो नहीं सकता, आप साधारण एक बूढ़ी दरिद्र ब्राह्मणी है, तो ये नूपुर देने में मेरा उत्साह नहीं हो रहा है। आप जैसी दरिद्रा की बहू इतना बहुमूल्य नूपुर पहन नहीं सकती है। यदि आपकी बहू यहाँ आकर मुझे दूसरे पैर में पहना हुआ बिल्कुल ऐसा ही नूपुर दिखा दे
तो मैं आपके गांव के 5-10 व्यक्तियों के सामने ये नोटबुक आपको दे सकता हूँ। लो अब और ज़्यादा समस्या पैदा हो गई। ललिता जी ने जो है कुछ ड्रामा किया, लेकिन अब उसमें फंस गई हूँ। बोली आपके गांव के 10-5 आदमी भी आए हैं और आपकी बहू भी आए और अपने पैर में दूसरा नूपुर इसी प्रकार का दिखाए तो फिर मैं दे सकता हूँ, तो बड़ी समस्या हो गई। राधा रानी विशाखा शक्ति के साथ छिप करके ललिता जी और कृष्णदास की बात सुन रही थी। अब राधा रानी सोचने लगी तो ललिता भी फंस गई है। जब उन्होंने देखा ललिता जो है जीत नहीं पा रही हैं, अब उनको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, अब क्या उत्तर दें? ललिता जी हार गई है? तो राधा रानी सामने आ गई राधा रानी और बोली कि हे साधु, तुम अभी कह रहे थे अलौकिक नूपुर किसी साधारण स्त्री का नहीं हो सकता, तो क्या वृंदावन की सारी वस्तुएं अलौकिक नहीं है? अब राधा रानी ने भी अपना तर्क दिया, वृंदावन की हर चीज़ तो अलौकिक है, क्या किसी साधारण वस्तु को वृंदावन में प्रवेश करने का अधिकार है? ये तो पूरा वृंदावन अलौकिक है। तो कृष्णदास जी ने उत्तर दिया, हे देवी, वृंदावन की सभी वस्तुएं अलौकिक हैं, किंतु सारी वस्तुएं अभी हमें तो वैसी नहीं दिखाई दे रही। अब नूपुर अलौकिक दिखाई दे रहा है, तो ऐसे कोई देवी भी तो अलौकिक होगी इस नूपुर को धारण करने वाली, है ना? ये भूमि चिंतामणियों से परिपूर्ण है, लेकिन हमें तो नहीं दिखाई दे रही, है ना? अब राधा रानी भी फंस गई, अब राधा रानी को भी उत्तर नहीं मिला, है? तो फिर ललिता जी फिर बोली कि तुम्हारी बात सही है, तुमको मिला जो नूपुर अप्राकृत है और ये इसकी स्वामिनी है इस नूपुर की, और ये भी अप्राकृत देवी हैं। ललिता जी ने राधा रानी को इशारा कर, ललिता के वाक्य सुन करके कृष्णदास ब्राह्मणी से बोले, हे देवियों, आप लोगों की बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका अभिप्राय क्या है? मेरे संशय को दूर करिए, मेरा संशय दूर करिए, बताइए। तब ललिता जी ने कहा कि मेरी दाहिनी ओर जो देवी हैं ये इस नूपुर की स्वामिनी है और यही महाराज बृषभानु की पुत्री, गोकुल राज के पुत्र की प्रेसी, यावट गांव की रहने वाली हैं। इन देवी का नाम है श्रीमती राधिका। हरिओ हरिओ। अलौकिक परिचय पाकर कृष्णदास पुलकित हो गए, मुंह से अब बात नहीं निकल रही, आनंद में, और प्रार्थना करते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, श्रीमती राधा रानी के चरण कमल से नूपुर कैसे गिरा तो मुझे पूरी बात बताइए और मुझे घटनाक्रम सुनाइए, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरी बहुत इच्छा है जानने की घटना कैसे, घटना कौन सी घटना हुई कि राधा रानी के पैर का नूपुर यहाँ गिरा। उत्तर में ललिता जी ने बताया कि बहुत रहस्य की बात है, लेकिन तुम भाव मार्ग में सिद्धि पा चुके हो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो पूरा घटनाक्रम बताया, समय नहीं इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ललिता जी ने जो है कृष्णदास से कहा कि हम सब गुप्त रूप से आपके पास आई हैं। ललिता जी बोले, हम गुप्त रूप से आपके पास छिप करके आई हैं, तुम शीघ्र नूपुर को दे दो, इसके बदले कोई भी तुम प्रार्थना करो, इसके बदले में कोई भी चीज़ मांगो, तुम्हारा तुम्हें हम कोई भी वरदान दे सकते हैं, वरदान मांगो। ललिता के मुख से ये वचन सुन करके ललिता जी के चरणों में गिर गए और अपने वस्त्र से ढके हुए नूपुर को निकाल करके पहले मस्तक पर लगाया, इसके बाद ललिता सखी को समर्पित करके बोले कि आपके दिव्य रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। कृष्णदास बोले, किससे बोले? ललिता से बोले, आपके दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो आप क्या हैं, दरिद्र वृद्ध ब्राह्मणी हैं, आपके दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ललिता सखी ने कृष्णदास की अभिलाषा जानकर कहा, तुम मेरे स्वरूप के दर्शन करने की अभिलाषा रखते हो, किंतु इन नेत्रों से मेरे रूप का दर्शन नहीं कर सकते हो।
तब उन्होंने कहा आपकी कृपा से संभव हो सकता है, मुझे अपना सेवक जान करके अपना दिव्य रूप दिखाइए। तो ललिता जी ने जो है दिव्य दृष्टि दिया, कृष्णदास को दिव्य दृष्टि दी और अपना स्वरूप दिखाया। तो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े, कृष्णदास मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े आनंद में। और ललिता जी ने अपने हाथ से जो है उनके शरीर में अपना हाथ फेरा और चेतना उनको आई, दोबारा चेतना आई। अब कृष्णदास जी ने ललिता जी के चरण कमलों में प्रार्थना की कि मेरी अभिलाषा है कि राधा रानी के चरण कमल का दर्शन करूं। अब एक के बाद एक अपनी मांगे होती जा रही हैं। तो पहले मांग थी कि अपना दर्शन कराइए, दर्शन करा दिया। अब दूसरी मांग, एक मांग के बाद दूसरी मांग, अब दूसरी मांग क्या, राधा रानी के चरण कमल का दर्शन करने की इच्छा है। तो राधा रानी ने इस प्रार्थना को सुनकर ललिता से कहा कि तुम कृष्णदास को मेरा मंत्र प्रदान करो। अब राधा रानी के चरण कमल देखना है तो पुरुष के शरीर से नहीं देख सकते, अब इनका पुरुष का शरीर है। तो राधा रानी ने ललिता से कहा कि मेरा मंत्र इनको प्रदान करो। और वृंदा से कहा तुम कृष्णदास को मेरे सरोवर में स्नान करके लाओ, मेरा सरोवर राधा कुंड उसमें स्नान करा करके लाओ। तो कृष्णदास मंजरी देह को प्राप्त कर लेगा, मंजरी शरीर प्राप्त कर लेगा। और तुम दोनों ललिता और वृंदा ये कार्य करो, ललिता से कहा मेरा मंत्र दो, ये मंत्र का जाप करें। और मेरा मंत्र का जाप करते हुए वृंदा से कहा कि राधा कुंड में स्नान करवाओ, तो मंजरी शरीर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ललिता ने कृष्णदास को जो है राधा मंत्र दिया और मंत्र को जपते हुए कृष्णदास ने राधा कुंड में जैसे स्नान किया तो मंजरी स्वरूप प्राप्त हो गया। कौन सी मंजरी, कनक मंजरी। ये कनक मंजरी है, ये नित्य लीला में कनक मंजरी ही है। तो भगवान के धाम से ही ये इन्होंने अवतार लिया है, अब कनक मंजरी का रूप प्राप्त हो गया। अब राधा रानी ने ललिता को आदेश देते हुए कहा कि तुम इनको मेरे नूपुर का चिन्ह प्रदान करो। ललिता सखी ने जैसे नूपुर चिन्ह देने के लिए राधा रानी का नूपुर कृष्णदास के ललाट में स्पर्श कराया तो वो हरि मंदिर जो तिलक था, ये हरि मंदिर तिलक था पहले जो हमारे जैसा, तो वो जो है नूपुर तिलक में परिवर्तित हो गया, वही तिलक जो है नूपुर तिलक में परिवर्तित हो गया। उन्होंने राधा रानी ने अपने वक्षस्थल में स्थित कुमकुम कपूर चंदन और मधु को मिश्रित करके चंद्रकांति पत्थर पर घिसकर नूपुर के चूड़ा के अग्रभाग द्वारा स्नेहपूर्वक मंजरी के ललाट पर तिलक के बीचों बीच एक उज्ज्वल बिंदु की रचना कर दी। राधा रानी ने क्या किया, चंद्रकांति पत्थर पर घिसा, क्या अपनी छाती से निकाला कुमकुम और कपूर और चंदन और मधु, अपनी छाती से निकाल करके उसमें घिसा, चंद्रकांति पत्थर पर घिसा और नूपुर का जो है जो बिंदु था उसको छुआ करके और बिंदु लगा दिया, बिंदु बना दिया, तिलक के बीचों बीच बिंदु बना दिया। ललिता जी ने कहा कि राधा रानी की कृपा से तुम्हें जो है अवसर प्राप्त हुआ है राधा रानी को आनंद प्रदान करने का, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद। श्यामा को आनंद दिया, श्यामा मतलब राधा रानी, तो श्यामा को आनंद तुमने दिया है इसलिए तुम्हारा नाम आज से क्या हो गया, श्यामानंद। अब इनका नाम जो है श्यामानंद इस प्रकार से हुआ, ललिता जी ने इनको नाम दिया श्यामानंद, जबकि नाम क्या था पहले कृष्णदास, तो श्यामानंद नाम दिया। राधा रानी ने कनक मंजरी को आज्ञा दी कि मेरी समस्त सखियों के साथ तुमने मुझे आनंद प्रदान किया है, अब तुम अपने कार्य को पूरा करने के लिए मर्त्य लोक में वापस जाओ, मतलब पुरुष शरीर में अब वापस आ जाओ और अपना कार्य पूरा करो। क्योंकि तुम विशेष कार्य के लिए तुम्हें ये पुरुष का शरीर मिला है और इस पृथ्वी में विशेष कार्य करना है,
तो कार्य पूरा कर लेने पर मेरी नित्य सेवा में फिर से आ जाओगी। इसके बाद जब ये बहुत रोए कि अब मुझे अपनी सेवा से आप मुझे क्यों दूर कर रही हैं, तो राधा रानी ने अपने हृदय कमल से श्याम सुंदर जी के श्री विग्रह प्रकट करके ललिता सखी के माध्यम से कनक मंजरी को प्रदान किया कि देखो अपने हृदय से ही श्याम सुंदर का ऐसा विग्रह प्रकट किया और ललिता को कहा दे दो और कहा कि हे श्यामानंद, इन जीवों के सहज उद्धार के सहज उपाय के रूप में तुमको ये श्री विग्रह दे रही हूँ, जीवों का उद्धार करेंगे, ये तुम्हारे साथ रहेंगे, इससे तुम्हें मेरी विरह का कष्ट नहीं होगा। श्रीमती राधा रानी के नूपुर की प्राप्ति और उज्जवल बिंदुयुक्त तिलक की प्राप्ति और श्याम सुंदर जी का अलौकिक श्री विग्रह की प्राप्ति, ये जो है ललिता सखी ने कहा कि जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को ये घटना नहीं बताना, जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को ये घटना नहीं बताना। क्या पहली घटना है? राधा रानी का नूपुर प्राप्त हुआ इनको। दूसरी घटना क्या है कि उज्जवल बिंदुयुक्त तिलक, नूपुर का तिलक इनको प्राप्त हुआ। और तीसरा क्या है? श्याम सुंदर का अर्चा विग्रह प्राप्त हुआ, है ना। तो ये घटना जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को नहीं बताना है। अब ललिता ने आगे कहा, अगर तुम विपत्ति में पड़ोगे तो विपत्ति तो आएगी, क्यों? कि तुम्हारे गुरु महाराज को जब पता चलेगा तुम्हारा नाम बदल गया, तुमने तिलक का चिन्ह अपना बदल लिया, तो और तुम्हें बताना नहीं है तो क्या होगा? विपत्ति आएगी, वो पीछे पड़ेंगे तुम्हारे। तो विपत्ति जब ग्रस्त हो जाओगे तो राधा मंत्र का जप करना तो मेरे दर्शन तुम पाओगे, ललिता सखी ने कहा। अगर विपत्ति आए तुम्हारे ऊपर तो मैंने जो तुम्हें राधा मंत्र दिया है उसका जप करना तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगी और तुम्हारी विपत्ति को दूर करूंगी। राधा रानी ललिता विशाखा के साथ श्यामानंद पर बहुत कृपा करके निकुंज से अंतर्हित हो गई। राधा रानी ने मंजू घोष नामक नूपुर के स्पर्श से उनका घास छीनने वाला खुरपा भी सोने का बन गया। जो घास छीनने वाला खुरपा था लोहे का था ना, वो नूपुर के स्पर्श से वो क्या हो गया? सोने का बन गया। कितना आश्चर्य, नूपुर के स्पर्श से घास छीनने वाला खुरपा अब सोने का हो गया। ललाट पर उज्ज्वल बिंदुयुक्त राधा रानी के चरणों की आकृति वाला श्याम मोहन नामक नूपुर तिलक, तिलक का नाम है श्याम मोहन, वो नूपुर तिलक है। और वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम लिखा, वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम लिखा और खुरपा है सोने का खुरपा और सिर पर श्याम सुंदर का अर्चा विग्रह। क्या क्या है इनका? एक तो नूपुर का तिलक है, ललाट पर नूपुर का तिलक है, और दूसरा वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम लिखा है, और तीसरा सोने का खुरपा है हाथ में, और चौथा श्याम सुंदर का अर्चा विग्रह उनके सिर में रखा हुआ है। ये चार इनके लक्षण। और जब देखा जीव गोस्वामी ने देखा कि आंसू बह रहे हैं, इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये बड़ा भारी परिवर्तन जीव गोस्वामी ने देखा। तो कृष्णदास राधा रानी की इस अलौकिक कृपा की कथा को जो है बताते हैं, क्योंकि बता दिया था कि जीव गोस्वामी को बता सकते हो लेकिन और किसी को नहीं बता सकते, तो जीव गोस्वामी को सब कुछ बताया। तो जीव गोस्वामी शिशु के समान नृत्य करने लगे, बच्चे बड़े धीर विद्वान हैं लेकिन जीव गोस्वामी इस घटना को सुन करके बच्चे की तरह नाचने लगे कि देखो मेरा कितना सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारा दर्शन हो रहा है। जीव गोस्वामी ने ये नहीं सोचा कि अरे मैं तो सीनियर हूँ और ये मुझसे जूनियर है, इसको कैसे कृपा मिल गई। जीव गोस्वामी गुस्सा नहीं हुए, जीव गोस्वामी ने क्या सोचा?
कि मेरा कितना सौभाग्य है कि तुम मेरे साथ रहते हो और तुम्हारे ऊपर राधा रानी की कृपा हुई। तो वो जो है नृत्य कर रहे हैं। अब जो ब्रजवासी वैष्णवों ने जो है अब बड़ा संशय किया, अब बड़ी संशय की बात हुई है? और नाना प्रकार के तर्क वितर्क होने लगे और अब अफवाहें, उल्टी अफवाहें फैल गई। क्या कि जीव गोस्वामी ने जो है कृष्णदास जी से उनके पहले गुरुदेव का परित्याग करवाकर अपना शिष्य बनाकर नया तिलक नया नाम प्रदान कर दिया है। अब जीव गोस्वामी की बदनामी, जीव गोस्वामी को लोग बदनाम करने लगे कि जीव गोस्वामी ने जो है अपने कृष्णदास को पहले गुरु का त्याग करवा दिया और अपना शिष्य बना लिया, अपना और अल्लाह नया नाम दे दिया, नया तिलक का चिन्ह दे दिया। और ये बात जो है अब कहाँ पर पहुँची? हृदय चैतन्य के पास पहुँची ये बात। और ऐसा समाचार सुन करके हृदय चैतन्य बहुत मर्माहत हो गए, बड़े मर्माहत हुए कि जीव गोस्वामी ने ऐसा व्यवहार कैसे किया, मेरे शिष्य को अपना शिष्य बना लिया और नया नाम दे दिया और नया तिलक दे दिया। तो उन्होंने कई शिष्यों को बुलाया और कहा शीघ्रतापूर्वक वृंदावन जाओ और कृष्णदास को बांध कर मेरे पास लाओ, कृष्णदास को बांध कर मेरे पास लाओ। अगर जीव गोस्वामी कृष्णदास को नहीं छोड़ते तो जीव गोस्वामी की जिम्मेदारी पर रख करके आना और ये पत्र जीव गोस्वामी को दो और उनसे उत्तर मांगो। पत्र लिखा, तो हृदय चैतन्य बहुत दुखी हो रहे हैं और शिष्यों ने वृंदावन में आकर जीव गोस्वामी से मिले, जीव गोस्वामी से पूछा कि हृदय चैतन्य प्रभु ने ये पत्र आपकी सेवा में दिया है और इसका उत्तर शीघ्र लाने का आदेश दिया है, आप इसका उत्तर लिखिए और जल्दी उनको पहुंचाना है। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि मैंने कभी हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य कृष्णदास को अपने सेवक के रूप में ग्रहण नहीं किया। जीव गोस्वामी बोले, मैं तो हृदय चैतन्य प्रभु के सेवक के भी तुल्य नहीं हूँ। तो उन्होंने ऐसी बात क्यों लिखी? जीव गोस्वामी ने कहा, मैंने कृष्णदास से जब इस विषय में पूछा तो उसने मुझे बताया कि हृदय चैतन्य प्रभु के चरण चिन्ह ही उनके ललाट पर तिलक के रूप में प्रकाशित हुए। जीव गोस्वामी ने बात बना दी कि छिपाना था, कहा कि कृष्णदास ने ही मुझे बताया कि मेरे गुरु के ही चरण चिन्ह मेरे माथे में प्रकाशित हो रहे हैं। और जब मैंने पूछा तो कृष्णदास ने बताया कि रात्रि में सपना देखा, कृष्णदास से पूछ लो, कृष्णदास ने बताया मुझे कि रात्रि में सपना देखा और राधा कृष्ण के जो है कुंज में झाड़ू भी लगा रहे हैं। ऐसे समय में हृदय चैतन्य प्रभु उनके पास आए, सपने में आए और इन्होंने आसन दिया, चटाई दी अपने गुरु को और वो जो है स्वप्न में ही कृष्णदास से बोले कि तुम्हारे सेवा भाव से प्रसन्न होकर राधा रानी तुम्हें दर्शन देंगे, आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद होगा। अब बता, कोई छिपाना है तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो जीव गोस्वामी ने ये कहा कि इन्होंने बताया मुझे तो मुझे पता चला, तो इनको ही जो है इनके गुरु महाराज ने सपने में दर्शन दिया और नाम दिया श्यामानंद नाम होगा। इस प्रकार कहकर हृदय चैतन्य प्रभु ने कृष्णदास के मस्तक पर अपना चरण रखा तो चरण से वो निशान बन गया। तो मैंने तो कुछ नहीं दिया, मैंने इनको शिष्य नहीं बनाया, मैं तो इनका शिष्य बनने लायक भी नहीं हूँ, मैं इनको अपना शिष्य कैसे बनाऊँगा। ये तो यही बता रहे हैं कि सपने में ऐसा देखा इन्होंने, श्यामानंद प्रभु ने जो है इसी बात को दोहरा दिया कि हाँ जीव गोस्वामी जो कह रहे हैं यही बात है, मैंने सपने में देखा और मेरे गुरु महाराज ने मुझे श्यामानंद नाम दिया और अपना चरण चिन्ह लगा दिया मेरे माथे में, तो वो जो है तिलक बन गया। अब अंबिका में पहुंच करके
शिष्यों ने वो पत्र हृदय चैतन्य प्रभु को दिया। अब पूरा पढ़ा हृदय चैतन्य प्रभु ने तो संदेह दूर होने की जगह संदेह और बढ़ गया। अब और उल्टा हुआ, हृदय चैतन्य का संदेह और बढ़ गया। बढ़ गया, सोचने लगे कि स्वप्न में दर्शन उसने मेरा किया और मुझे पता नहीं, मुझे पता भी नहीं, और स्वप्न में मेरी बात को उसने सही मान लिया और मुझे उसका कुछ पता नहीं, ये कैसा व्यवहार है। अब हृदय चैतन्य 64 महंतों और 12 गोपाल और विशेष वैष्णवों को साथ लेकर वृंदावन में आ गए। हृदय चैतन्य के आने का समाचार पाकर श्यामानंद जी ने वहाँ पहुँचकर सब वैष्णवों को प्रणाम किया। श्यामानंद को देखते हृदय चैतन्य क्रोधित होकर बोले, तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? मेरे साथ अपने संबंध और मेरे द्वारा दिए तिलक और नाम का तुमने परित्याग कर दिया, इसलिए मेरे साथ और मेरे संबंध से इस वैष्णवों के साथ भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा। श्यामानंद ने कहा, आपकी कृपा से मुझे श्यामानंद नाम मिला है और इस तिलक को भी मैं आपकी कृपा से धारण करता हूँ। हृदय चैतन्य ने कहा, तुम स्वप्न की कथा को सत्य मानकर काम कर रहे हो किंतु मैं इसके विषय में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारे ललाट के तिलक को और श्यामानंद नाम को लिख करके हम धोएंगे, तुम्हारे ललाट में ये तिलक बनाएंगे और हृदय में श्यामानंद नाम लिखेंगे और फिर मैं धोऊंगा। अगर पानी फेंकने पर भी तिलक दोबारा और नाम भी प्रकाशित हो जाए तो मैं मानूंगा कि सपने की कथा तुम्हारी सच्ची है, अन्यथा वैष्णव समाज से तुमको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। किसने कहा? हृदय चैतन्य प्रभु ने कहा कि तुम्हारे ललाट में ये तिलक हम बनाएंगे, नूपुर तिलक, और तुम्हारा नाम श्यामानंद लिखेंगे, फिर पानी से धोएंगे और उसके बाद दोबारा अगर आ जाए तो मानेंगे कि तुम्हारा सपना सच्चा है, तब मानेंगे कि तुम्हारा सपना सच्चा है। सभी महंतों ने श्यामानंद से कहा कि तुम सपने की कथा को सत्य क्यों मानते हो? गुरुदेव के रुष्ट होने पर तो भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? श्यामानंद ने उत्तर दिया कि आप लोग अगर बारंबार कह रहे हैं तो मुझे 2 दंड का समय दीजिए। 2 दंड का मतलब, 1 दंड होता है 24 मिनट का, 48 मिनट का समय दीजिए मुझे, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। सभी महंतों ने कहा ठीक है, अब ये ध्यान मग्न हो गए, अब वही राधा मंत्र का जप करने लगे। ललिता जी ने दिया था ना, अब संकट में आ गए हैं तो राधा मंत्र का जप करने लगे और उनको जो है अब कनक मंजरी का रूप प्राप्त हो गया और राधा रानी की कुंज के बाहरी द्वार पर बैठकर क्रंदन करने लगी, कनक मंजरी के रूप में अब रोने लगी, वहाँ पहुँच गई। और राधा रानी की सखियों ने जब पूछा तो बताया कि आप लोग कृपा करके मेरे आगमन की सूचना बताइए ललिता जी से और मुझे दर्शन देने की प्रार्थना करिए, मेरे प्राणों की रक्षा करिए। सखियों ने जाकर ललिता जी को बताया, ललिता जी राधा रानी की तांबूल सेवा में लगी हैं, इसलिए उन्होंने एक सखी को भेजकर कनक मंदिर को कुंज के भीतर बुला लिया। उस समय राधा रानी का दर्शन करके कनक मंजरी चरणों में प्रणत होकर रोने लगी। राधा रानी की आज्ञा से ललिता सखी ने कनक मंजरी को भूमि से उठाकर अपनी गोद में ले लिया और रूप मंजरी ने भी कनक मंजरी को अपनी गोद में लिया, राधा रानी के चरणों में उनको झुकाया और तब कनक मंजरी ने राधा रानी के चरणों में बताया कि वृंदावन की रासस्थली की कुंजों में आपकी कृपा से मुझे नूपुर तिलक मिला था और श्यामानंद नाम मिला और श्याम सुंदर का अर्चा विग्रह मुझे प्राप्त हुआ, तो ललिता जी ने आदेश दिया था कि जीव गोस्वामी के अलावा किसी को ये बात नहीं बताना, तो इस विषय में जीव गोस्वामी के अलावा किसी को नहीं बताया, किंतु मेरे दीक्षा गुरु हृदय चैतन्य आपके द्वारा प्रदत्त इस तिलक को देखकर मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं और प्रश्न करते हैं कि मुझे नया तिलक और नाम किसने दिए हैं। जीव गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार जब मैंने बताया कि नाम
हृदय चैतन्य प्रभु ने स्वप्न में प्रदान किया है, तो उन्होंने कहा तुमने सपना देखा जैसे मैं नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारे सपने को सत्य नहीं मानता। तुम्हारे तिलक को मैं धोऊंगा यदि उस पर तिलक दोबारा प्रकाशित हो जाए, और श्यामानंद नाम भी लिख करके धोऊंगा, श्यामानंद नाम भी दोबारा प्रकाशित हो जाए, तब मैं मानूंगा कि स्वप्न में तुम पर मेरी कृपा सत्य है, अन्यथा तुमको वैष्णव समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कनक मंजरी ने राधा रानी से बताया। अब इतने समय के अंदर, 48 मिनट का समय मांगा था, इतने समय के अंदर पूरी ये घटना हुई। अब जिस प्रकार आपके चरणों और गुरुदेव के चरणों की कृपा से मैं दूर ना हूँ, आपके चरणों में भी अपराध ना हो और गुरु के चरणों में अपराध ना हो, ऐसा अब उपाय कीजिए। तो राधा रानी ने कनक मंजरी को संकट से निकालने के लिए अपने चचेरे भाई सुबल को बुलाया, सुबल को बुलाया। तो सुबल आए तो राधा रानी ने कहा, सुबल तुम्हारे इस शिष्य के शिष्य कृष्णदास को मैंने अपनी दासी के रूप में स्वीकार करके कुंज सेवा का अधिकार प्रदान किया है। अब वैष्णवों के समाज में जिस प्रकार परीक्षा में ये उत्तीर्ण हो जाए, ऐसा उपाय करो। तो सुबल ने कनक मंजरी के लाट पर अपने हाथ से उज्ज्वल बिंदु युक्त राधा के चरण का नूपुर तिलक बना दिया और वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम भी लिख दिया, और फिर कनक मंजरी से कहा कि तुम वैष्णवों के समाज में ये कहना कि मेरे गुरु का स्वरूप धारण करके गौरीदास पंडित ठाकुर ने आकर मुझ पर कृपा की है। तो सुबल ही गौरीदास पंडित हैं, हृदय चैतन्य के गुरु हैं। तो सुबल सखा जो है अभी तो राधा रानी के साथ ही हैं, उनके चचेरे भाई हैं, और गौरीदास पंडित शरीर छोड़ के गुरुधाम में जा चुके हैं सुबल के रूप में। तो सुबल कहते हैं कि मैं ही तो हृदय चैतन्य का गुरु हूँ, गौरीदास पंडित मैं ही हूँ, तो तुम ये बता देना कि मेरे गुरु के गुरु ने मेरे गुरु का रूप धारण करके मेरे पर कृपा की। मेरे गुरु के गुरु यानी गौरीदास पंडित ने मेरे गुरु का रूप धारण करके सपने में आए, हृदय चैतन्य के रूप में आए, और मुझे श्यामानंद नाम दिया है और नूपुर तिलक दिया है, और अभी सुबल ने लिख भी दिया। तो अब मतलब बात आप जो है झूठी भी नहीं है, सच्ची बात है। अभी वही गौरीदास पंडित गुरु के गुरु ही जो है उनको नाम दे रहे हैं और नूपुर तिलक दे रहे हैं, कह रहे हैं अब इसमें कोई मतलब झूठ भी नहीं, अब कोई झूठी बात भी नहीं है कि मैंने तुम्हें ये नाम दिया है। तो तुम ये बता देना कि मेरे गुरु के गुरु मेरे गुरु के रूप में आकर के मुझे श्यामानंद का नाम दिया है और ये नूपुर तिलक दिया है। फिर सुबल सखा चले गए, और राधा रानी ने जो है एक सखी कुंज मंदिर को कुंज से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। राधा रानी के आदेश से सखी ने कुंज से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया, और वृंदावन में वैष्णव समाज में विचार सभा में श्यामानंद का शरीर देख करके ये समझ करके श्यामानंद ने शरीर त्याग दिया। अब सब वैष्णवों को चिंता हो गई कि इन्होंने तो शरीर त्याग दिया, तो सभी वैष्णव विचलित हो गए और बड़े दुख में पड़ गए। कह रहे हमारी उपस्थिति में एक ब्रजवासी वैष्णव के प्राण नष्ट हो गए और हम लोग तो चुपचाप देख रहे हैं। हृदय चैतन्य भी श्यामानंद के बारे में रोदन करने लगे कि मेरा शिष्य तो शरीर छोड़ चुका है, तो हृदय चैतन्य में रो रहे हैं, किंतु जीव गोस्वामी जो है जानते थे सब रहस्य, तो इसलिए वो जो है बोले कि आप जो है नाम संकीर्तन कीजिए, आप कुछ चिंता मत करिए, आप लोग नाम संकीर्तन कीजिए। ऐसे समय श्यामानंद के देह में प्राणों का संचार हो गया और भूमि से उठे, और देख करके सभी वैष्णव आनंद में जो है ऊंचे स्वर में हरि ध्वनि करने लगे, और हृदय चैतन्य श्यामानंद को जीवित देख करके उनका चुंबन करने लगे। तब श्यामानंद से कहा सबने कि तुमने केवल दो दंड का समय मांगा था जो पूरा हो चुका है, अब अपने तिलक और नाम परिवर्तन के विषय में बताओ कि क्या रहस्य है, तुम्हें तिलक और नाम परिवर्तन कैसे हुआ। श्यामानंद उत्तर दिया कि मेरे गुरुदेव का स्वरूप धारण करके गौरीदास पंडित ने ही मुझ पर कृपा की, यदि मैं श्री गुरुदेव के चरण का सेवक हूँ तो इस नाम तिलक को पुनः प्रकाशित करके देख लाऊंगा। तब सभी
वैष्णवों ने परीक्षा करने के लिए श्यामानंद के ललाट पर बिंदु युक्त नूपुर तिलक लगाया और बक्षस्थल पर श्यामानंद नाम लिखा और हृदय चैतन्य ने सब वैष्णवों का आदेश पाकर के जल से श्यामानंद के ललाट के तिलक को और बक्षस्थल पर लिखे श्यामानंद के नाम को अच्छी प्रकार से धो दिया। जब धो दिया तो वैष्णवों के बीच में बैठ गए। श्यामानंद जी अब गौरीदास पंडित का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगे, हे पंडित ठाकुर, साधुओं की विचार सभा में पधार कर अपने इस अनुशिष्य की रक्षा कीजिए। अनुशिष्य माने शिष्य का शिष्य, अपने अनुशिष्य की रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए श्यामानंद प्रभु गौरीदास पंडित को पुकारने लगे, तब उनके ललाट पर बिंदु युक्त तिलक और बक्षस्थल पर श्यामानंद नाम पुनः प्रकाशित हो गए और सब देख रहे हैं। हरि बोल। सभी को विस्मित करते हुए श्यामानंद के ललाट का तिलक और बक्षस्थल का नाम अधिक उज्ज्वल होकर दोबारा प्रकाशित हो गए तो देखकर के हृदय चैतन्य बहुत लज्जित हुए। ये देखकर के हृदय चैतन्य बड़े लज्जित हुए। क्या मान करके कि मैंने तो बड़ी गलती की है, किसको मैंने झूठा माना है और इसको तो मेरे गुरु की कृपा प्राप्त हुई है। उपस्थित सभी वैष्णव उच्च स्वर से हरि ध्वनि करते हुए श्यामानंद का आलिंगन करने लगे, कई उनको गोदी में लेकर उनका चुंबन करने लगे, कोई कोई कहने लगे कि स्वप्न की बात भी सत्य होती है, श्यामानंद की कृपा से आज अपूर्व लीला प्रत्यक्ष देखी है। ऐसा कहते हुए सभी वैष्णव श्यामानंद को आशीर्वाद प्रदान करने लगे। श्यामानंद जी सभी वैष्णवों और हृदय चैतन्य प्रभु को दंडवत प्रणाम करके जीव गोस्वामी के पास गए। जीव गोस्वामी श्यामानंद को गोदी में लेकर स्नेहपूर्वक उनका चुंबन करने लगे और बोले कि तुम भक्त नहीं हो, मेरे प्राण समान हो, मेरा जीवन तुम्हारे प्रेम से बंध गया है। हे कनक मंजरी, तुम्हारी सेवा से राधा को आनंद प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम श्यामानंद हो। इस प्रकार से आज हमने बहुत सुंदर कथा सुनी है, ये नूपुर की जो घटना है बहुत विस्तार से सुनी। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो जीव गोस्वामी से ये अध्ययन करते थे और इनका नाम क्या था उस समय? श्यामानंद नाम तो नहीं था, क्या नाम था? कृष्णदास नाम था। तो ये जीव गोस्वामी से बार बार प्रार्थना करते थे। किस बात की प्रार्थना करते थे? हाँ, प्रत्यक्ष सेवा दीजिए, प्रत्यक्ष सेवा दीजिए। और जीव गोस्वामी टालते थे, अभी अभी नहीं, बाद में देंगे, अभी भजन करो। तो क्या बोले, मैं वृंदावन में नहीं रह पाऊँगा, ज़्यादा देर तक वृंदावन में नहीं रह पाऊँगा अगर आप सेवा नहीं देंगे। तो जीव गोस्वामी ने क्या सेवा दी इनको? कुंज स्थली का मार्जन करने के लिए। तो इनके हाथ में, एक हाथ में झाड़ू थी और दूसरे हाथ में घास छीलने का खुरपा, लोहे का खुरपा था। और जब इन्होंने एक रात्रि में जो है जब ऐसे कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो नूपुर का नूपुर देखा दसों दिशाओं में प्रकाश फैला रहा है। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी क्या बोली? इस नूपुर की यत्नपूर्वक रक्षा करो, इस नूपुर की यत्नपूर्वक रक्षा करो, आकाशवाणी हुई। अब छिपाएं तो कैसे छिपाएं? अंधेरे में भी नहीं छिपा सकते, उन दसों दिशाओं में प्रकाश पड़ा, कैसे छिपाया? वस्त्र में छिपा लिया। अब राधा रानी छिप करके नूपुर ढूंढने के लिए आई। छिपी हुई राधा रानी ललिता से कहती हैं कि तुम जाओ ढूंढो। तो ललिता सखी किस देश में आई? बूढ़ी दरिद्र ब्राह्मणी के रूप में। और कृष्णदास से क्या बोली, क्या बोली? मेरी वधु का जो है चरण का नूपुर गिर गया है, क्योंकि यहाँ पर फूल चुनने आई थी, शेर को देखा तो भागी तो नूपुर गिर गया है, तुमने देखा है? तो तुम तो सफाई करते हो, तुम्हें नहीं देखा होगा। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया? देखा तो है और मुझे मिला है, लेकिन वो अद्भुत नूपुर, इतना दिव्य नूपुर आपका तो नहीं हो सकता। क्यों? गरीब हैं आप, सामान्य स्त्री हैं, सामान्य स्त्री का तो हो नहीं सकता वो नूपुर। जब आप हैं गरीब तो आपकी जो बहू है वो कैसे पहनेगी?
तो आपकी जो बहू है वो भी तो साधारण स्त्री होगी। तो ललिता जी के पास अब कोई जवाब नहीं। इन्होंने फिर कहा कि हाँ मैं दे सकता हूँ, अगर आपकी बहू आए अपने पैर में दूसरा नौपुर इसी प्रकार का दिखाए और आपके गांव के 10-5 लोग आए तो उनके सामने मैं फिर दे दूँगा। तो बड़ी कठिनाई हो गई। अब ललिता जी को कुछ उत्तर नहीं मिला तो राधा रानी आ गई सामने। अब राधा रानी ने तर्क दिया। क्या तर्क दिया राधा रानी ने? कि तुम कहते हो कि असाधारण स्त्री का ही नूपुर है, तो ये वृंदावन में है, ये धाम है, तो क्या कोई चीज़ साधारण हो सकती है? हर चीज़ तो असाधारण है। तो क्या उत्तर दिया राधा रानी ने? कहा कि हर चीज़ तो अलौकिक है, तो फिर साधारण क्या है यहाँ पर वृंदावन में? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? ये बात सही है कि सभी कुछ अलौकिक है, परंतु ये नूपुर तो मुझे अलौकिक दिखाई दे रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि सब कुछ अलौकिक है लेकिन वो अलौकिक तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये नूपुर जब अलौकिक दिखाई दे रहा है तो देवी भी तो अलौकिक दिखाई देनी चाहिए। अब जो है राधा रानी भी हार गई, ललिता भी हार गई, राधा रानी भी हार गई। बहुत चालाक निकला ये। तब ललिता जी ने परिचय दिया कि यही हैं राधा रानी, यही हैं। तब इन्होंने जो है नूपुर तो दिया लेकिन प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की पहले? ललिता जी अपना अपना रूप दिखाइए, अपना असली रूप दिखाइए। तो ललिता जी ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, अपना रूप दिखाया तो प्रेम से मूर्छित हो गए। और फिर जब होश में आए तो फिर क्या प्रार्थना की? राधा रानी के चरण चरण कमल का दर्शन कराइए। एक मांग के बाद दूसरी मांग, राधा रानी के चरण कमल का दर्शन कराइए। अब राधा रानी अपने चरण कमल का कैसे दर्शन कराएं? कोई पुरुष को राधा, तो राधा रानी ने ललिता को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? मेरा मंत्र दो। ललिता जी से कहा राधा रानी ने, इनको मेरा मंत्र दो। और वृंदा देवी से कहा कि इसको ले जाकर के राधा कुंड में स्नान करा। तो राधा मंत्र का जप करते हुए राधा कुंड में स्नान किया तो कनक मंजरी का रूप प्राप्त हुआ। तब राधा रानी के पैर में इन्होंने नूपुर पहनाया। श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाव दिधि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौरताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय हो। प्रत्यक्ष सेवा आपने बताई है, प्रमादित सेवा जी, इसमें